हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीथिंग। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर और खतरनाक बॉलर युजवेंद्र चहल के बारे में। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, तो इस वीडियो में इनकी लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्टोरी बताने वाले हैं कि आखिर इन्होंने कितना स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आप चहल के फैन हैं तो इस वीडियो कर दे लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब। चहल का फुल नेम है युजवेंद्र सिंह चहल, निक नेम है यूजी, प्रोफेशन से एक इंडियन क्रिकेटर है। चहल का जन्म 23 जुलाई 1990 को जिंद हरियाणा इंडिया में हुआ और 2020 के हिसाब से ये 30 साल के हैं। चहल ने अपने स्कूल की पढ़ाई डीएवी पब्लिक स्कूल जिंद हरियाणा से की और दोस्तों, इनका शुरुआत से ही पढ़ाई में मन नहीं लगता था, फिर इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। अब बात करते हैं युजवेंद्र चहल के करियर के बारे में। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चहल ने अपने करियर की शुरुआत चेस से की, यानी चहल एक चेस प्लेयर थे। चहल वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप को इंडिया से रिप्रेजेंट करते थे और साथ ही साथ चहल क्रिकेट भी खेला करते थे। इन्होंने क्रिकेट को अपने से अलग कभी नहीं होने दिया, क्योंकि चहल के पिता चाहते थे कि वो कामयाब हो। और फिर चहल ने क्रिकेट खेलने की इच्छा जाहिर की तो चहल के पिता ने 1.5 एकड़ ज़मीन को क्रिकेट पिच बना दिया, जहां पे चहल अपनी क्रिकेट प्रैक्टिस भी किया करते थे। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, चहल शुरुआत में क्रिकेट के साथ चेस भी खेला करते थे। शुरुआत में चहल का चेस तो सही चल रहा था, लेकिन जब 2006 में चहल को चेस गेम के लिए स्पॉन्सरशिप मिलना बंद हो गए तो चहल को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आखिर वो चेस गेम पे खर्चे होने वाले पैसे 60 लाख रुपए सालाना कहाँ से लाएंगे। तो इसी वजह से चहल ने चेस खेलना बंद कर दिया और क्रिकेट को कंटिन्यू रखा। और इसके बाद चहल मेहनत से पीछे नहीं हटे और चहल ने जमकर मेहनत करी। चहल का कहना है कि जो इंसान मेहनत करता है उसे भगवान उसका फल ज़रूर देता है। और ऐसे ही कुछ हुआ चहल के करियर में। चहल की ज़िंदगी में आईपीएल एक बेहतरीन मौका था और चहल को पहली बार 2011 आईपीएल में मुंबई इंडियंस ने ख़रीदा। चहल को आईपीएल 2011 में कुछ खास खेलने का मौका नहीं मिला, यानी इन्होंने सिर्फ एक ही मैच खेला। फिर चहल को इसी साल 2011 में चैंपियन लीग 2020 में खेलने का मौका मिला और इस लीग में इन्होंने सारे मैच खेले और चहल ने इस लीग के फाइनल में 3 ओवर में 9 रन देकर 3 विकेट लेके सबका दिल जीत लिया। और उसका नतीजा ये हुआ कि साल 2014 में आरसीबी ने चहल को 10 लाख रुपए में ख़रीद लिया। और फिर इसके बाद चहल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर इन्होंने 11 जून 2016 को ओडीआई डेब्यू किया जिम्बाब्वे के खिलाफ और फिर 18 जून 2016 को इन्होंने T20 डेब्यू किया। ये भी डेब्यू इनका जिम्बाब्वे के खिलाफ था। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना चहल आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको युजवेंद्र चहल की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है के चहल, जो कि एक एडवोकेट हैं, और इनकी मदर का नाम है सुनीता देवी, और इनकी दो सिस्टर भी है, जैसे कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं। चहल की वाइफ का नाम है धनाश्री वर्मा, जिनसे इन्होंने दिसंबर 2020 में शादी की। अब बात करते हैं चहल के हाउस के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, चहल का दिल्ली में घर है, जैसे कि आप इन पिक्चरों में देख सकते हैं, और इसके अलावा इनका हरियाणा में भी घर है। बात करें इनके कार्स कलेक्शन के बारे में, तो इनके पास मारुति सुजुकी डिज़ायर है जिसकी कीमत है 8 लाख रुपए, और इनके पास दूसरी कार है पोर्शे कैनन जिसकी कीमत है 1.58 करोड़ रुपए। और दोस्तों, चहल को कार का बहुत शौक है। इनके पास और भी लग्जरी कार है, जैसे कि रोल्स रॉयस और लैम्बोर्गिनी। बात करें इनके इनकम के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, चहल एक टेस्ट मैच खेलने के लिए लेते हैं 15 लाख रुपए, और वहीं ओडीआई मैच खेलने के लिए लेते हैं 6 लाख रुपए, और दोस्तों T20 मैच खेलने के लिए लेते हैं 3 लाख रुपए। बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो इनका नेटवर्थ है लगभग 30 करोड़ रुपए। तो ये थी युजवेंद्र चहल की लाइफ स्टाइल वीडियो। अगर आप चहल के फैन हैं तो इस वीडियो कर दे लाइक और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो की सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें।